मैं आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। घुटन होती है। On Thursday evening. Everybody has a right to talk and put it out there. अपने संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। Two journalists have been shot dead. 110 journalists killed in Mexico. 38 journalists have been killed. 46 people involved in the media have been killed in Pakistan. Most of the cases are still unsolved. Ravish Kumar and his family face hate, insult and repeated, often daily death threats. खुल के बात करें अधिकार को नहीं। और 15-20 मिनट तक वो गालियां देते रहते थे लगातार। शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जिंदा जलाकर मार डाला। केवान में हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार और ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या के बाद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अखबार के सीनियर एडिटर जावेद मलिक के साथ राज्य के कृषि मंत्री जीएन हंजूरा के इशारे पर मारपीट करने का आरोप लगा है। डॉटर्स ऑफ इंडिया पत्रकारों पर हमले थम नहीं रहे। बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। इस तरह की जो बर्बरता है, जो शादी के दायरे में होती है, जो मैरिटल रेप है, वो गुनाह, वो क्राइम क्यों नहीं है? इसमें कुछ पत्रकार है, इसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, इसमें कुछ वकील है, और इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो सत्ता से सीधे सवाल तो पूछते ही हैं, बल्कि मजलूमों, कमजोरों के लिए लड़ाई। इन पत्रकारों ने किसी न किसी बाहुबली के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हें अपनी खबरों से एक्सपोज किया था, लेकिन ये पत्रकार किसी राजनीतिक पार्टी से या विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। ये लोग किसी विचारधारा से जुड़े नहीं थे और इसीलिए इन पत्रकारों की हत्या के खिलाफ कोई आवाज नहीं थी। किसी ने बड़े पैमाने पर इनके लिए कोई एजेंडा नहीं चलाया। इन पत्रकारों की हत्या पर कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं। तब कोई हंगामा नहीं होता जब किसी पत्रकार को कोई माफिया, कोई गुंडा या कोई दबंग नेता मरवा देता है। ये इस कहानी का अंत है या शुरुआत? आपकी कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती। एक आजाद आवाज कभी खामोश नहीं हो सकती। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, लेकिन क्या तुम मोदी जी को कुछ ना बता पाओगे? पत्रकार साहब मत करना है, आप इलेक्शन में हैं। मुझे बोर्ड जर्नलिस्ट भी आप ऐसा चल रहा है मेरा पीछा कर कर। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु और आपके सामने हाजिर हूं लाउड स्पीकर्स के साथ। हम इस खास पेशकश के जरिए कोशिश करेंगे उन तमाम लोगों तक पहुंचने की जो जज्बा रखते हैं सच्चाई के लिए आवाज उठाने की, जो है सच्चे अर्थ में हमारे सोसाइटी के लाउड स्पीकर्स, क्योंकि हर सच्चाई के पीछे सच कुछ और होता है। कैसा लगता है आपको समाज का असली चेहरा इस फ्रेम में कैप्चर करके लोगों तक पहुंचाने में? काफी खुशी मिलती होगी ना? वो तो कर नहीं पाया अब तक। मतलब हर सच्चाई के पीछे का सच कुछ और होता है। वादा तो सच दिखाने का सब करते हैं, पर निभाता कौन है? मैं और देश।
दोनों अभिव्यक्ति की आजादी की तरफ बढ़ रहे खतरे के साए से बिल्कुल अनजान अपनी राहों चले जा रहे हैं। आज एक और जर्नलिस्ट पर हमला हुआ, इसलिए ध्यान रहे। रोलिंग। फिर से करते हैं एक बार। मैं अभिमन्यु, आपका स्वागत है। इन सब के बावजूद हमें फिक्र और जरूरत है आपके फेवरेट शो लाउड स्पीकर्स में। आज हम बात करने वाले हैं रुद्र प्रताप जी के बारे में, जिनकी पार्टी की भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हो चुकी है और अब ये अपने कार्यकर्ता विनम्र प्रताप और दिलदार खान के साथ महिला और बाल विकास मंत्री के तौर पर दोबारा जनता की सेवा के लिए तैयार हैं, जो एक सच्चे और ईमानदार नेता होने के साथ साथ समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं, जो महिलाओं और बच्चों के लिए काफी जागरूक है। क्या कुछ कहेंगे नहीं आप? देखिए पत्रकार साहब, बात ऐसी है कि हम काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जुबान कम चलाते हैं। सब कुछ परफेक्ट फ्रेम की तरह चल रहा था, फिर एक दिन अचानक रास्ते बदल गए, कदम जम गए, जब एक आईने में इस किरदार ने सच के धुंधले चेहरे को साफ होते हुए देखा। जो आवाजें मेरे खिलाफ उठती उसे खामोश होते देर नहीं लगती। रुद्र, रुद्र प्रताप नाम है मेरा, याद रखना। और फिर मैं आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। घुटन होती गुस्ताखी माफ सर। नाम है हमारा विनम्र प्रताप सिंह, और हमारे नाम पे मत जाइएगा। जर्नलिस्ट आईना के मर्डर का मुद्दा डिबेट में नहीं आना चाहिए, समझे? वेरी प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आईना हैज बीन मर्डर्ड ब्रूटली। जो उस जहान में कह दें वो इस जहान में कैसे आजाद हो सकता है? मैं अब तक आजाद नहीं हो पाया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पत्रकार साहब लगता है नए आए हैं। विनम्र प्रताप सिंह, विनम्र प्रताप सिंह नाम है हमारा, और हमारे नाम पे तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि गुस्सा हमें बहुत जल्दी आता है। इलेक्शन में ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आपका तो बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। FM पे इस भीगी सी शाम में आप सुन रहे हैं आरजे प्रसून के साथ नज्मों के पन्ने। तू आईना है मेरा, तेरे नजरों के अब्र में ही मेरे रूह की परछाई है। कैसे तलाशो मैं खुद को, तुम बिन
कि तेरे नूर से ही मेरे सांसों ने सुबह पाई है। दर्द हिजरा अब बूंद बन के अंबर से बरस रहा है। मेरा हाथ अब भी तेरे हाथों के लम्स को तरस रहा है। फिर से वही सपना, बंधे हुए हाथ और वो सब लोग। शायद ये मेरा डर है जो मेरा पीछा कर रहा है। डर से जितना डरोगे दर्द तुम्हें उतना डराएगा। कैसे हैं मिस्टर बैनर्जी? आसमान में उड़ते पंछी की तरह एक आजाद कलाकार हूँ। लॉर्ड स्पीकर्स के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपकी कहानी दिखाना चाहते हैं और इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया था। मैं अपनी कहानी बता तो दूंगा, लेकिन क्या तुम वही लिखोगे जो मैं बताऊंगा? मुझे नहीं लगता कि सरकार आपकी फिल्म रिलीज होने देगी। मुझे ये लगता है कि सरकार को आर्टिकल 19A दोबारा पढ़ने की जरूरत है, भूल चुके हैं शायद। ऐसी फिल्में बनाते ही क्यों हैं जो सिस्टम से इतने तीखे सवाल करें? जब तक ये कला और इस कला को जिंदा रखने की ताकत मेरे पास है, मुझे ऐसी फिल्में बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जर्नलिस्ट आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ, कुछ बताएं अपने बारे में। मैं गूंज हूँ अपने अस्तित्व के अवशेष लिए भटकती महिलाओं के सवाल की, उन सिसकियों की, उन भटकती रूहों की जो पूछती है कि क्यों चुप थे सब सीता की अग्नि परीक्षा और द्रौपदी के चीरहरण पर। मैं आवाज हूँ, मेरी कलम माध्यम है उन आवाजों की जिनकी चीख ये पूछती है कि क्यों कोई आवाज नहीं उठाता जब महिलाओं पे घरेलू हिंसा होती है, जब अपने ही घरों में रिश्तेदार जिस्म और गरिमा को तार तार करते हैं। मेरी किताब हर उस क्यों का जवाब मांगती है, पर मैं जानती हूँ आप मेरी आवाज क्या बने और चुप नहीं। उम्मीद है कि आप पहले अपनी आवाज परिभाषा दोबारा याद करें और चुप नहीं रहेंगे पहले अपनी आवाज। लेकिन क्या तुम वही लिखोगे जो मैं बताऊंगा? कि लोग मुझे भले ही खामोश करते हैं पर मेरी गूंज हमेशा रहेगी। मिस्टर अभिमन्यु, क्या आप काइंडली मुझे बताएंगे कि आपको ये पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म का इतना फितूर क्यों सवार हो गया है? आप जानते हैं ना कि देश किन हालातों से गुजर रहा है। तुमने रूलिंग पार्टी से सवाल करने बंद नहीं किए तो मैं तुम्हारी नौकरी नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारी वजह से रोज कॉल्स आते हैं कि तुम्हें हटा दिया जाए। मैं यहाँ पत्रकार बनने आया था, गुलाम नहीं। मैं हर दिन कहता हूँ प्राइम टाइम के स्लॉट में इलेक्शन पे फोकस करो, तुम एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, इकोनॉमी लेके बैठ जाते हो। तुम उतना ही लिखोगे जितना मैं तुमसे कहता हूँ और वो ही लिखोगे जो सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं। बेरोजगारी कभी न रुकने वाले दर से बढ़ रही है, सरकारी संस्था भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है, देश में हर तरफ धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है, सियासत की जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की कमी से बच्चों की जान जा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है और आप ये सब जानकर भी चुप हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं पावर और पैसे के लिए खुद को खामोश रखता हूं? नहीं मिस्टर अभिमन्यु, बल्कि मजबूर हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन ये आवाज सिस्टम के अगेंस्ट उठ गई उस दिन ये खामोश कर दी जाएगी हमेशा के लिए, समझे? सच सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं और मजबूर हूँ। पेड न्यूज़ और प्रोपेगेंडा कदर लिखने के चैनल बंद करा दिए जाते हैं, विज्ञापन रुकवा दिए जाते हैं और सर्वाइवल के लिए पत्रकारों को या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर हमेशा के पहले अपनी आवाज तो ढूंढ खामोश कर दिया जाता है। जर्नलिस्ट आईना के मर्डर का मुद्दा डिबेट में नहीं आना चाहिए। पत्रकारों पर हमले थम नहीं रहे, बड़ी खबर आ रही है गुजरात से जहां एक रुद्र प्रताप जी है ना? ओके। अभिमन्यु और आपका स्वागत है हमारे इस खास शो लाउड स्पीकर्स में। रुद्र कुमार राठ, क्या नाम है? कट कट। रुद्र कुमार ना? नहीं सर, रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप, ओके सॉरी, फिर से करता हूँ।
बहुत ही अच्छे नेता हैं, जो एक अच्छे समाज सेवी हैं और समाज उनकी अच्छी से फिर से करता हूं एक बार हमारे इस खास शो सर 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 प्रोड्यूसर को फोन। हेलो यदा यदा हिधर्मश्च क्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मश्च तदात्मानम् सृजाम्यहम्। मुझे अपनी मदद खुद करना पसंद है। ख्याल रहे, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वक्त आने पर आपको सच बोलना होगा। दुआ ने आज धीरे से कहा मुझसे, मैं कबूल हूं, तुम फिर मिलोगी हर जन्म, मेरी प्रेरणा बनके, मेरा आईना बनके। क्या बात है, दुआ मांगने आए थे पर आप मिल गए। मुझे पता है आप दुआ नहीं, मुझसे मेरा जमीर मांगने आए। हमारा काम लेना नहीं, देना। शहर को सजा हो या और सच लिखने वालों की जिंदगी भी कट गई। मिस आईना को जानते थे ना आप? आईना की आवाज को खामोश कर सकते हैं लेकिन उसके हौसलों ने इस खामोशी को सहमे हुए जमीर को जगाया है और अब उसे कोई भी अंधेरे में नहीं ढकेल सकता। मुझे मालूम है कि सच आपके हाथों में, मुझे यह भी मालूम है कि मीडिया आपके हाथों की कठपुतली है मिनिस्टर साहब, लेकिन अब ये अभिमन्यु आपके चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाला है। आप सचमुच मेरा आईना है और आपकी याद इबादत। मैं इन यादों के सजदे में सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। मेरे हाफिज, क्या तुम्हारे एहसासों को मेरे लफ्जों की जरूरत है? जो मेरी आंखों में लिखा है वो काफी नहीं? मैं तेनु फिर मिलूंगी। कितने, किस तरह? पता नहीं, तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तेरे तकदीर आएंगे। कितने, किस तरह? बता दे। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, अपने अंदर के लॉर्ड स्पीकर को जगाने में देर मत करना। इन सब के बावजूद हमें फिक्र और जरूरत है एक बेहतरीन और सशक्त लेखिका गूंज दत्ता की, जिनकी किताब मैं आवाज हूं इस वक्त परेशानियों और विवादों की मार झेल रही है। भाई साहब, इस गूंज दत्ता की वजह से मीडिया और जनता में सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका कुछ करना ही होगा। माना कि मुझे पैसों की जरूरत, पर मैं अब इन सब का हिस्सा नहीं बन सकता, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी ने बताया था गलत करने वालों का साथ देना भी उतना ही गलत होता है। जो पंछी हमारे पिंजरे में आ जाता है ना, वो अपनी परवाज भी भूल जाता है, क्योंकि उसकी डोर हमारे हाथ में होती है। याद रखिएगा।
जो हमारी नहीं सुनते उन्हें किस्सा बनते देर नहीं लगती। याद रखना गूंज दत्ता। गूंज दत्ता तो खामोश हो गई, अब आप जरा संभल कर रहिएगा पत्रकार साहब। बरखा जी, हम विनम्र बोल रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली लेखिका गूंज दत्ता की हत्या कर दी गई है। इसकी वजह उनकी विवादित किताब में आवाज हूं को बताया जा रहा है। तो प्रताप जी, लोगों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने कोई खास कदम नहीं उठाया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाले वर्षों में जनता का प्यार और बहुमत मिलता है, फिर देखिए राष्ट्र में कितना परिवर्तन आता है, जो विपक्ष वाले बीते वर्षों में सोचे भी नहीं। हौसला, तो आप इलेक्शंस की तो बिल्कुल ही चिंता मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में आप लोगों ने हमेशा साथ दिया। हम सबको खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हमने इसी आजादी का सपना देखा था? इस देश में हंगामा खड़ा करना लोगों की आदत बन चुकी है। जहां हमारे पास सवाल उठाने की आजादी नहीं, क्या हम आजाद हैं? अगर आपको ये लगता है कि ट्रोल की ताकत से मेरी कलम सत्ता के इशारों पर चला सकते हैं तो आप गलत हैं। जहां हमारे पास सवाल उठाने की आजादी नहीं, क्या हम आजाद हैं? और आप जनता के साथ नहीं बल्कि सत्ता के साथ खड़े हैं। अपने जमीर से पूछिए क्या आप सही हैं? सारे अनशन, धरना प्रदर्शन और योजनाएं, इसमें सच्चाई कितनी है ये सच दिखाने वाले जानते हैं। हर रात नेशनल प्लेटफॉर्म पर जो काला सूट पहनकर फर्जी मुद्दे उठाए जाते हैं उसकी सच्चाई सबको मालूम है। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन आपको उस आवाज की कमी महसूस होगी जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। वीजा बनवाना हो तो बता दीजिए, कईयों का वीजा बनवा चुका हूं। देखिए अभिमन्यु जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, ये तो मेरा डर और मजबूरी थी। डर से जितना डरोगे डर तुम्हें उतना डर आएगा। मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ जितना सीता की अग्नि परीक्षा और द्रौपदी की चीरहरण पे आवाज ना उठाने वाले लोग थे। मैं सवेरा, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की आइडियोलॉजी के बारे में बताएंगे जिसने समाज में वो चेंज लाया। उन्होंने इनिशिएटिव लिया एफर्ट्स किए उस ड्रास्टिक चेंज को लाने के लिए। उनमें इतनी ताकत थी कि वो बिना किसी से डरे, बिना किसी बुराई से डरे उस समाज में वो चेंज लाने की काबिलियत रखते थे। कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की उनमें क्षमता थी। ऐसे ही लोग होते हैं लाउड स्पीकर्स, और उन्हीं में से एक थे अभिमन्यु, और आज हम उन्हीं की याद में सेलिब्रेट कर रहे हैं लाउड स्पीकर्स डे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके समाज में आपके आसपास न जाने कितनी ही गलत चीजें होती हैं, लेकिन क्या आप कभी उनके लिए स्टैंड लेते हैं? नहीं। तो जाने अनजाने न जाने कितनी ही बार हम उस गलती का, उस गुनाह का हिस्सा बन जाते हैं।
तो अगर हमारी एक कोशिश सोसाइटी में चेंज ला सकती है तो आइए हिस्सा बनते हैं उस प्रयास का और कोशिश करते हैं समाज को सोसाइटी को बदलने की, ताकि जिंदा रहे अभिमन्यु जैसे लोगों की आइडियोलॉजी हम सबके बीच। अगर आप अन्याय देख कर भी चुप हैं, तो अपने जमीर से पूछिए क्या आप सही हैं।